Kusum. Sohan. Hey. समझ गए सोहन? Yes, पापा. Good. शैतान, तुम फिर आ गए मेरे रूम में. कितनी बार बोला है तुम्हें मेरे कमरे में बिना नॉक किए बिना परमिशन के नहीं आने का, समझे? ज्यादा नॉक करके आऊंगा, अन्य परमिशन नहीं दी ना, मैं बिना परमिशन के आ जाऊंगा. ठीक है जाओ. अच्छा सुनो, रुको, क्या चाहिए था? कुछ नहीं. कुछ नहीं तो फिर आप आँख बंद करो. आँख बंद करो? क्यों? आप आँख बंद करो. कर दी. आपका हाथ दो. हाथ दो? लो. हाउ स्वीट. आप मुझसे दोस्ती करोगी? ओके. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. आप मेरी मम्मी से भी दोस्ती करोगी? ठीक है, आपकी मम्मी से भी दोस्ती करूंगी. चले जी. आइए आइए आइए, टाइम पर आ गए आप. आइए, आपको पता भी है टाइम क्या हो रहा है? 10:30 बज रहे और मम्मी जी ने आपको 10 बजे बुलाया था, पूरे आधा घंटा लेट. आपको पता भी है कोई भी प्रोफेशन के लिए टाइम पर आना बहुत जरूरी होता है. फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. ओके, आइए बैठिए. आप कुछ पियेंगे? महादेव इनके लिए पानी लेकर. हाँ तो मिस्टर मांजरेकर. मांजरेकर मतलब महाराष्ट्र, राइट? तुम्हारा मराठी बोला ना ये तो? आपन महाराष्ट्र आहात ना? आपको मराठी समझ में आती है? हिंदी तो समझ में आती है ना? थैंक गॉड. हाँ तो मुझे मांजरेकर, मैं ये चाहती हूँ, नहीं एक्चुअली मम्मी जी चाहती है कि इस घर का सारा रेनोवेशन टोटल वॉल कर्टन्स और ये डिनर टेबल कैबिनेट सब कुछ, नथिंग शुड बी ओल्ड. लेकिन सुनिए, जो कुछ भी करवाइएगा कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए. ओके? बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ. मतलब मैं भी यही कहना चाहता हूँ, मैं भी यही बिलीव करता हूँ. स्ट्रक्चर ऑल्टरेशन तो मैं बिल्कुल करूंगा ही नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. यू नो इंजीनियरिंग मार्वल में तो मैं बिलीव करते ही नहीं, मैं तो कॉस्मेटिक मार्वल में बिलीव करता हूँ. ऐसा करेंगे, हमें इस हॉल की सारी पेंटिंग चेंज करा देंगे. ओके? और ये जो वॉल है इसकी, इसको रिपेंट कर देंगे और इसकी टेपेस्ट्री चेंज करा देंगे. इस पर नेटिव फैब्रिक कैसे लगेगा? You're right, absolutely right. अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ. आपकी और मेरी वेदन काफी मिलती है. ओहो, मिलनी ही चाहिए मैडम, मिलनी ही चाहिए. शिकागो में हमें यही सिखाते हैं, क्लाइंट को कैसे खुश रखते हैं, उनका बजट कैसे लो रखते हैं, उसकी वेवलेंथ कैसे मिलाते हैं. बस बस बस, मैं सब समझ गई. देखिए मिस्टर, पहले आप मुझे डिजाइन दिखाइए, फिर मैं घर में सबको दिखाऊंगी, उनकी अप्रूवल लूंगी, उसके बाद ही मैं आपको ग्रीन सिग्नल दूंगी. ओके? और कुछ डिस्कस करना बाकी है? नहीं, मैं तो समझ गई. बजट, आपको मेरे साथ बजट डिस्कस करनी है, राइट? देखिए, आप पहले मुझे डिजाइन दिखाइएगा, उसकी अप्रूवल होगी, उसके बाद ग्रीन सिग्नल मिलेगा, उसके बाद ही हम बजट डिसाइड कर सकते हैं, राइट? वो कल या परसों या फिर हो सकता है दिवाली के बाद. महादेव, अब क्या है? घर में और कोई नहीं है क्या? क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन? देखिए मिस्टर, प्लीज टेक वन स्टेप एट अ टाइम. आप पहले डिजाइन दिखाइएगा, फिर उसके बाद हम काम डिस्कस करेंगे, ठीक है? महादेव सुनिए. नाउ व्हाट? मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी. पैसे? वाह, कमाल के डिजाइनर हैं. काम शुरू हुआ नहीं, आपको एडवांस पैसे चाहिए? वो क्यों? ओह, एडवांस नहीं, अरे मुझे तो 500 के चेंज चाहिए थी, बाहर टैक्सी वाला खड़ा, उसको देने थे. मैडम, महादेव 500 के छुट्टे लेकर आइए. आप भी कमाल के डिजाइनर हैं. हम दोनों बात किए जा रहे हैं, वहाँ पर टैक्सी का मीटर बढ़ रहा है, मीटर बढ़ रहा है, सारी बिलिंग हमारी बिल में इंक्लूड करेंगे. पता नहीं मम्मी जी ने कहाँ से ये नमूना पकड़ के लेकर आए. जी थैंक्स. अब छुट्टी मिल गए ना, जाइए. जी क्या देख रहे हैं?
बातें कर रही थी? मम्मी जी, वो इंटीरियर डिजाइनर है ना मिस्टर मांजरेकर, वही आए थे। अच्छा, बात हो गई? हाँ, कहा है कि दिवाली के बाद ही डिजाइन। अरे आप यहाँ अब तक गए नहीं, और ये सब सामान, यह सामान रखकर यही डिजाइनिंग शुरू करने का इरादा है क्या? नमस्ते मासी। बेटा कैसे हो तुम? इंटीरियर डेकोरेटर। ये आर्यमन है, उसने बताया नहीं होगा, शैतानी तो रग रग में भरी हुई है। ये मेरी सबसे प्यारी सहेली संध्या का बेटा है। 8 सालों से अमेरिका चले गए, शिकागो में रहते। और आर्यमन ये है मेरी कुसुम, मिसेस अभय कपूर। मैं जानता हूँ। I'm so sorry, वो मैं। No, sorry. मम्मी मम्मी मम्मी, देखो देखो कौन आया, अरुंधति आंटी, आओ ना मम्मी। मैं चाह रही कह दो ना मम्मी। I'm also sorry. सच निकिता, प्यार लेना तो कोई अपने सोहन से सीखे। कितना प्यारा है ना बच्चे, सचमुच कितने मासूम होते हैं। हाँ भाभी, काश हम भी हमेशा बच्चे ही होते। निकिता, मैंने सोहन की मम्मी के बारे में अपना ओपिनियन चेंज कर दिया है। अब जिसका बच्चा इतना अच्छा हो, उसकी मम्मी बुरी तो नहीं हो सकती ना। बेटा, ये है विशु का कमरा। Come in. मासी आप जाओ, मैं संभाल लूंगा। Yes. हाय, शायद आपको मालूम नहीं, आप कितनी खूबसूरत हैं। Absolute divine beauty, spiritual. कोई भी कलाकार आपको अपने रंग में ढालना चाहेगा। आप हैं कौन? हम आपके हैं कौन? यूसे में भी लगी थी। Nice family flick. 5 बार देखी थी मैंने। Anyway, ये बताइए कि आपको हमारा present कैसा लगा? Present? खुशकिस्मती इस आईने की, आप हर सुबह इसे देखती। कभी फुर्सत निकालकर हमें भी देख लिया करिए, शायद किस्मत बदल जाए इस बदकिस्मत की। अच्छा, तो वो प्रेजेंट आपने भेजा था। आप अपने आप को समझते क्या है हा? और आपकी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि आप मेरे बेडरूम तक पहुंच गए? हाँ, कैसे आए यहाँ पे? इनके जरिए, इनके जरिए। आर्यमन, चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरे से ना जाए। तुम बाद में आओगे? ज्योति, कुसुम जंग सिस्टर। हाय, आई एम आर्यमन। अरे भाई, हमारे बहुत ही पुराने वाकिफ है। यूएसए में मैं कई महीनों आर्यमन के साथ रहा था। सरलांडी की बेस्ट फ्रेंड है संध्या आंटी, उनके सुपूत है ये। वैसे बहुत ही बड़े पेंटर है वो, तुम्हारी जो पेंटिंग्स बनाया करता था ना मैं। मिलने वाली। वो सब इसी से इंस्पायर होके बनाया करता। अच्छा मासी, आपकी दोनों नई बहू से तो मिल गए, अब बची नई चाची और सोहन, उनसे कब मिला रही? मिलवा दूंगी, मिलवा दूंगी, अभी लंच पे सब इकट्ठा होंगे ना। हाय एवरीवन। आर्यमन, कब आए तुम? बस थोड़ी देर पहले। बिना कुछ खबर किए? नहीं, हमारे घर में किसी ना किसी को तो खबर थी कि आर्यमन आने वाला है, क्योंकि उसके आने से पहले इस घर में इसकी बनाई हुई चीजें आ रही थी। क्यों रूही? ये रूही और आर्यमन की मिली भगत है। ताई जी, बिना सबूत के इल्जाम लगाना इज नॉट वेरी सेफ। हाँ चीज आई, आई डोंट नो सो मोर, प्लीज सिट, प्लीज सिट। आर्यमन आया तो क्या हुआ, बैठो। अच्छा निकिता चाची, ये है आपके लिए। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। वेलकम। ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी वाली है, मैं हूँ। और
और ये है आपके लिए। लेकिन गो इजी है, बिकॉज इसे देखने के बाद आप कहेंगे यू डोंट नो मी। क्यों, ऐसी क्या खास बात है इस तस्वीर में? वेल, ये है मेरी इमेजिनेशन आफ्टर 60 इयर्स। इट्स अमेजिंग, मुझे तो पता ही नहीं था जब मैं 100 साल की हो जाऊंगी तब भी बूढ़ी नहीं लगूंगी। हाउ स्वीट, यू लाइक इट? आई लव इट, थैंक्स। अच्छा सुनो, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? ओहो, तुम्हारे लिए तो एक बहुत ही स्पेशल बैग है, फुल ऑफ लेटेस्ट कॉस्मेटिक्स और एक CD-ROM जिसमें अमेरिकन यूनिवर्सिटीज पर सारी इंफॉर्मेशन है, ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड टू स्टडी इन द USA। थैंक्स, सो स्वीट। यू वेलकम। मेरी लिस्ट का क्या हुआ? ओहो, तुम्हारे लिए तो एक बहुत ही बड़ा बैग लाया हूँ, बैग फुल ऑफ बुक्स। पता है कितना एक्सेस लगे देना पड़ा मुझे उसके लिए? ऑल द बुक्स ऑन ह्यूमन सेफ्टी। वाओ तानिया, चल देखते हैं। चल, चल नहीं नहीं, खाना खाने के बाद। इतना पेशेंस नहीं है भाई जी। चल चल, शी इज मोर देन हैप्पी। अब भाभी, एक्चुअली आज मैं भी लंच की तैयारियां करवाती हूं। एक्सक्यूज मी, इवन आई विल कम एंड हेल्प यू। या या, भूख लगी है। चल, ओके। अरे हां, मेरे लिए क्या लाए? सी, आपके लिए तो इस शुभ अवसर पर मैं आ गया ना। बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। किसी आर्यमन और अभय दोनों दोस्त हैं, साथ साथ पले पड़े, हम सब एड्रेस पड़ोस में ही रहते थे तब। मासी, बातें बाद में, पहले बहुत जोर की भूख लगी है मुझे, आपके हाथों का बनाया हुआ सूजी का हलवा खाना। तू और तेरे मस्के अभी बनाती। थैंक यू आर्यमन। किस बात के लिए? आपने जो स्केच भेजी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली मैंने सोचा कि वो स्केच अभय ने भेजी है। वैसे अभय है कहाँ? वो कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं। आपकी स्केच बहुत ही खूबसूरत है। थैंक्स। मगर आपको रूबरू देख रहा हूँ तो लगता है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। वो स्केच अभी अधूरी है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। लंच तैयार। अरे आ गए तुम लोग, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और ये सब क्या है? ये सोनाली के लिए दिवाली के। कंप्यूटर, थैंक यू। बेटा इतना सारा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अगर देना ही था तो जेवर दे देते, इसकी शादी में काम आते ना। क्या आई, आप बहुत ही भोले हो, इसे खर्चा नहीं कहते, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। आज के जमाने में कंप्यूटर होने का मतलब बाहर की दुनिया के साथ जुड़े रहना। आपको मालूम है आई, ये कंप्यूटर आपके काम भी आ सकता है। आप इसमें अपने घर का सारा खर्चा रख सकती हैं, आप इसमें भजन सुन सकती हैं, आप इसमें धार्मिक पंक्ति भी देख सकती हैं। अगर भाई हो। अच्छा तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, पूजा में देर हो रही है। चलो अब। दीपकं प्रज्वालयामि नैवेद्यं समर्पयामि ॐ गणानां पावनपतिं वाहवामहे प्रियाणां पातुयपतिं निधीनां पाणिपतिं वाहवामहे ॐ मम जानि त्रिवेदामानि त्वं जानि त्रिवेदामानि त्वं जानि। रमी रमी खेलते हैं, लेकिन रमी के लिए तो टीम बनानी पड़ती है ना। आप दोनों सिस्टर्स एक टीम में,
मामा और निकिता चाची एक टीम में। वाह, सिस्टर्स वर्सेस देवरानी जेठानी, वेरी सेफ। हाँ, बाकी लोग अपनी अपनी टीम चुन लो। मतलब मुकाबला जोरदार होने वाला है। आप हमारे साथ रहें। कम ऑन यार। एनीवेज, शुरू कर दी ना अपने अपनी पत्नी की तरफदारी। ये तो हमारी कुसुम भाभी के साथ ज्यादती है। जस्ट बिकॉज अभय भैया यहाँ नहीं है, आप इनकी टीम को कमजोर करने पे तुले चाचू। अरे तो क्या हुआ, आर्यमन है ना, आर्यमन तुम कुसुम भाभी की टीम में रहोगे, तुम उनके साथ उनके चीयर लीडर और सपोर्टर। ओके ओके, चलो पोजीशंस पोजीशंस। ओके चले 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 जल्दी। जो जीतेगा वो पार्टी देगा। और ये जोकर। हाँ कुसुम, इन दोनों से बच के रहना, माहिर है इस गेम में, कभी हारते नहीं। अरे चाचू, हम भी कुछ कम नहीं है। यस चाचू, डोंट वरी, हम नहीं हारेंगे। आपको पता है जब हम बाबा के घर खेला करते थे तो हम हमेशा जीते थे। मुझे कितने अच्छे पत्ते आए हैं, मेरा तो दिल धड़क रहा है, एक सेकंड में 10-10 बार धड़क रहा है मेरा दिल। Hey, but this is not fair, खुलेआम चीटिंग हो रही है। क्या बातों बातों में इशारे किए जा रहे हैं, पत्ते फेंकने की क्लू दी जा रही है, नॉट फेयर। आप हमारी साइड हो या? ओके ज्योति, तुम्हारे बाल वाकई बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल रानी जैसे। थैंक्स आर्यमन। चल जाओ। कुछ नहीं चाल, ये लो। ओह माय गॉड, आर्यमन तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट बेकार गई। ज्योति कुछ नहीं समझी, बात इसके पल्ले नहीं पड़ी। क्या हुआ निकिता? इस बार तुमने दिवाली के दिन पे अपने सोहन राजा को डायमंड की अंगूठी नहीं पहनाई। आइडिया तो बहुत अच्छा है भाभी, लेकिन कहाँ से पहनाती, मेरे पास तो है ही नहीं। आपके पास कहाँ से आएगी चाची, क्योंकि डायमंड का किंग तो मेरे पास है। मेरी रवि हो गई। दीदी कभी नहीं हारती। क्योंकि बाबा हमेशा कहा करते हैं कि बच्चों का खेल हो या जिंदगी की बाजी, सच्चाई से खेली जाए तो हार कभी नहीं होती। Well said, well played. वो तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि जो कार्ड्स में लकी होते हैं वो प्यार में नहीं। Lucky in cards are never lucky in love. Not well said. Okay. तो पॉइंट लगो, पॉइंट लगो। क्या बात है, उन्हें मिस किया जा रहा है? Sort of. आजकल के जमाने में कोई किसी को कैसे मिस कर सकता है? ऐसा करते हैं, हम आपकी उनसे बात करवा देते हैं। नहीं नहीं, इस वक्त नहीं, इस वक्त तो वो सो रहे होंगे। Oh, everything is fair in love and war. और ये तो प्योर लव है। आप मुझे उनका नंबर दीजिए। अरे मैं नहीं बताऊंगा कि आपको बात करनी है। दीजिए। Hello. Hello, this is Aryaman. Aryaman Punj. Could I speak to Mr. Abhay Kapoor? I'm sorry, वो सो रहे हैं इस वक्त। आप 5-6 घंटे के बाद फोन करेंगे प्लीज। क्या मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ? This is Miss Chopra, Mr. Aryaman. Good night. Thanks. Miss Chopra?